रुद्राक्ष की माला, लबों के मुख स्वरों में मुड़मुड़ाते मंत्र, बंद पलकों में कुछ कामना करते, ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा, जो मंगलवार को महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। गर्भगृह में 3 मिनट तक ध्यान भी लगाया। इसके बाद उन्होंने कदम बढ़ाए उस ओर जिसका सभी को बड़ी बेताबी से इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकाल लोक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इन ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने के लिए जैसे पूरा संत समाज ही उमड़ पड़ा। कार्यक्रम स्थल तक हालांकि सभी को अनुमति नहीं थी, लेकिन 200 साधुओं की उपस्थिति को निश्चित रखा गया था। जो लोग सीधे नहीं देख पाए उन्हें भी मायूस नहीं किया गया। शिप्रा नदी के तट पर इसके लिए खास प्रबंध किए गए थे, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जिस पर कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हुआ। कार्यक्रम स्थल पर वाटर प्रूफ डोम बनाया गया, जहां 7,000 लोग मौजूद रहे। वैसे आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम का दुनिया के 40 देशों में सीधा लाइव प्रसारण हुआ, जहां भारत वंशियों ने इस कार्यक्रम को सीधे अपनी स्क्रीन पर देखा। महाकाल लोक प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके मुख्य द्वार पर, जिसे नंदी द्वार कहा जाता है, वहां 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट को। महाकाल लोक प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके मुख्य द्वार पर, जिसे नंदी द्वार कहा जाता है, वहां 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है। इसे रक्षा सूत्र से तैयार किया गया है। कपड़े से ढके शिवलिंग को प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर हटाया। इस कपड़े के हटते ही महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण हो गया। इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे उज्जैन को सजा दिया गया था। इसके अलावा यहां के सभी छोटे बड़े मंदिरों के परिसर भी फूलों से सजे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सजावट के लिए 7 अलग अलग शहरों से फूल मंगाए गए थे। महाकाल लोक प्रोजेक्ट फेज 2 में 856 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसके जरिए 2.8 हेक्टर में फैला महाकाल परिसर 47 हेक्टर का हो जाएगा। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहां से श्रद्धालु गर्भगृह पहुंचेंगे। इसके निर्माण कार्य पर करोड़ों की लागत आई है, जिसमें से अधिकतर काम पूरा हो चुका है, जबकि बचा हुआ काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए यूवी इंडिया न्यूज के साथ।